ठीक है भाई, अब मिलवाते हैं आपको गाड़ी के ओनर से। ये हमारे सामने अमित भाई। क्या हाल अमित भैया? बढ़िया भाई, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपकी गाड़ी का आपसे ओनरशिप रिव्यू लेना चाहते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई, आपने कब परचेज करी थी ये? भाई ये है अपना 2014 मॉडल, 2014 का मॉडल है, जुलाई का। ठीक है। हाँ। और कौन सा वेरिएंट है भाई ये आपका? सेकंड वेरिएंट में आता है। मतलब तीन वेरिएंट आते थे उस टाइम पे। इसमें एक बेस, एक मिडिल और एक हाई। तो ये सेकंड वेरिएंट में है। सेकंड वेरिएंट है। हाँ, हाई में। और इसमें बस एक क्रूज कंट्रोल का थोड़ा सा फर्क था, और कोई फर्क और कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं है इसमें। और आपको कितने की पड़ गई थी उस टाइम पे ये? भाई रफली आइडिया जो मेरे को ध्यान गया, करीबन 18 के करीब की आई थी उस टाइम पे। फैमिली लेके आई थी तो मेरे को इतना थोड़ा एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ, फिर यार 14 साल हो चुके हैं, मैं उस टाइम पे कुछ और ही था। तो फिलहाल आप, आपकी रेगुलर है गाड़ी? हाँ, मतलब अब फैमिली, ये मेरे पास रेगुलर ट्रांसफर हो चुकी है। अब ये मेरे को घर वालों ने ट्रांसफर कर दिया, मेरे को सौंप दिया है कि अभी तू रख इसको। तो तभी आपने कुछ टचेस दे रखे हैं, कुछ करवाया है स्टार्टिंग से? यहाँ से बताओ आप। यहाँ से अगर देखा जाए तो पहले जो फ्रंट दिख ही रहा है, मैंने इसको कार्बन फिनिश में तो ये हुड करवाया है। बहुत बढ़िया लगेगा भाई, नो डाउट। आपका ये ग्रिल आ गई है, ये क्रोम आती थी। हाँ, हाँ। मैंने कैमेलियन में करवा रखी है। ठीक है। फिर मैंने इसकी लाइटों पे थोड़ा सा काम किया था। अच्छा। ये 130 वोल्ट की इसमें HID डली हुई है। 130 वोल्ट की HID। हाँ। अब तो कोई कसर नहीं होगी? नहीं, अब लाइटिंग के मामले में बिल्कुल, कहते हैं ना कि हाँ रोड पे बढ़िया उजाला के साथ कंप्लीट पूरा व्यू देती है ये। और ये ऑक्सिलरी भी लग रही है नंबर प्लेट के साइड में। ये अलग भी, ये मैंने उसमें करवाया था धुंध के टाइम पे। येलो है ये? हाँ, ये 2-in-1 में आती है, ब्लू भी गले करेगी और येलो भी। अच्छा। ये रिसेंटली अभी इन्हीं सर्दियों में करवाई थी मैंने, क्योंकि फॉग के कारण की भाई अपना थोड़ा सा फॉग के लिए, येलो व्यू के लिए अच्छा रहता है ये। और जैसे देख रहा हूँ मैं, अलॉय व्हील भी आपने ब्लैक करवा रखे हैं। ठीक है। अलॉय इसके मैंने अभी रिसेंटली करवाए हैं, ये अलॉय और ये क्या कहते हैं दोनों बम्पर मैंने हाल ही में इसके थोड़ा सा काम करवाया। हल्की फुल्की दिल्ली नॉर्मल चलती है, टच होती रहती है, टच होते ही रहते हैं, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। उसके चक्कर में फिर मैंने अभी रिसेंटली अलॉय और ये मैंने फिर साथ साथ अलॉय के लिए काम दे ही दिया था। ठीक करा। फिर मैंने इसकी रूफ ब्लैक की करवा रखी है। तो वैसे तो खैर दिल्ली में उतना है नहीं है, पर अब तक कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, वैसे अभी तक तो कोई नहीं है। ठीक है, काम चल रहा है, चल रहा है। किसी की नजर में ना पड़ी है? नहीं है। हाँ। नजर में ना पड़ी। और भाई ये चीज अट्रैक्ट कर रही है भाई, इसके बारे में बताओ। ये स्पॉइलर लगवाया था भाई, पहले स्टार्टिंग में तो मैंने ये शौक के तौर पे लगवाया था। अच्छा। फिर बाद में इसको जैसे चला रहे, यूज कर रहे हैं, तो मेरे को मैंने हाई स्पीड पे नोट किया कि अपना काम करता है ये। एक्चुअल में काम कर रहा है। अच्छा जी। ये जब आपकी गाड़ी अगर 150 प्लस जाती है तो एक अलग से आपकी गाड़ी को नीचे को और पुश कर देती है उसको, बिल्कुल स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ाती है। तो ये लुक के लिए लगवाया था, पर अब ये फंक्शनल है। अब ये फंक्शनल भी है, करता है ये। बहुत बढ़िया। मैंने नोट किया था जैसे अपने ये KMP पे है। हाँ। तो यहाँ पे जब चला रहे थे तो बम्प आते हैं इसमें। हाँ। वो बम्प बिल्कुल फील नहीं होते, एक ऐसा लगता है बस टायर के नीचे कुछ आया है और आपकी गाड़ी निकल गई। ये वाला सीन है इसका। ठीक है, इसी पॉइंट से आते हैं यार, गाड़ी की हाईवे स्टेबिलिटी तो कोई नो डाउट होगा। बहुत बढ़िया इसकी जो इसकी लो ग्राउंड क्लीयरेंस है। हाँ, ये इसकी लो ग्राउंड क्लीयरेंस का पॉजिटिव भी है। हाँ, और नेगेटिव भी है। नेगेटिव इंडियन रोड्स को देखे चले तो भाई नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। वो तो भाई कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ पे। उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसका तो कभी सरकार करेगी दूसरे देश की तरह रोड बनाएगी तो बात अलग बनेगी। वरना तो भाई अपने तो भाई ये थोड़ा बहुत नीचे टच होती होगी। लेकिन वो कहते हैं भाई अब डेली बेस पे चलाते हैं तो हमें आदत हो चुकी है कि ब्रेकर को कैसे क्रॉस करना है। और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है ये। बिल्कुल। तो आपने खैर पूछना गलत हो जाएगा, एवरेज एवरेज में से मत बोले तो इसमें तेरा घर जाएगा। घर जाएगा इसमें घर जाएगा भाई। चलो फिर भी बताओ तो। देखो शॉकिंग है ये, दो तरीके से एवरेज देती है। अच्छा। अगर आप नॉर्मली चला रहे हो इसको एक स्टेबल स्पीड पे, हाँ, ज्यादा पंजा नहीं दबा रहे हो तो लोकल में देती है 10 तक की एवरेज दे देती है। 10 निकाल देती है 1.8 लीटर का, 1.8 होते हुए 10 निकाल रही है ये भाई। और अगर हाईवे के समय तो थोड़ा और शौक हो जाओगे। अच्छा चलो बताओ। हाईवे पे जाएंगे तो मैंने इससे रिसेंटली निकलवाई थी 15 की एवरेज भाई। ये तो हैचबैक दे रही है आजकल की, देख लो इसमें तो घर नहीं जाएगा। 1.8 होते हुए हमें खुद शौक था कि भाई 15 की एवरेज, क्योंकि पापा का काम था वो लोकल में ही रहते थे ज्यादातर। उनका बहुत रेयर जाता था कभी कभी चंडीगढ़ जाना, और फिर ड्राइवर चलाता था तो उसको इतना था नहीं एवरेज का कंसर्न, कभी ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने अपने खुद से अपना किया तब थी, ओ, एक्सपेरिमेंट अब करा हाथ में आई। हाँ, तो ये देखा कि भाई ये 15 की एवरेज इसने निकाल के दी भाई। एक्सेप्टेबल एवरेज है, अच्छी है ठीक है, नो डाउट ठीक है, ठीक है, बढ़िया एवरेज है। फिर हाँ सेम चीज, वो जो घर जाएगा वाली लाइन। हाँ। अगर आपने एक्सेलरेट किया दबाया फिर ये आ जाती है 8 से भी नीचे।
फिर गई नीचे, फिर 8 से भी नीचे चली जाएगी तो आपकी स्पीड चढ़ेगी और फ्यूल के स्पीड डाउन, फ्यूल के डंडे नीचे होते जाएंगे आपके, वो अलग से दिखेगा आपको कि हाँ आप जा रहे हो और आपके गेज टूटते जा रहे हैं। तो भाई घी घालोगे तो हाँ वो तो है, हलवा बढ़िया बनेगा, बढ़िया बनेगा। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये है कि हल्केपन जैसे चलाओ तो ये आपको एवरेज भी दे देगा, बहुत अच्छी एवरेज देगी। बोलना ही नहीं, मतलब जो नोट किया था इसमें, हाँ। जैसे कहते हैं ना आज के टाइम पे टर्बो एक जब वो ऑन होता है तो आपको धक्का फील होता है, हाँ बैक पुश मिलता है, बैक पुश आता है, तो सेम इसमें आईवीटेक में करती है, करती है बिना टर्बो के, बिना टर्बो के आपको एक अलग सा, जैसे आप एक्सेलरेटर दबाओगे आपको एक हल्का सा झटका लगता है फिर वो भागती है। भाई जापानीज इंजीनियरिंग है, जापानीज इंजीनियरिंग है भाई, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है, और मैं इसलिए मन नहीं करता इस गाड़ी को भाई बिल्कुल नहीं, नहीं निकालना नहीं है, चाहे भले लोकल में चलेगी, मेरी चाहे भाई मेरे को लोकल में अपने शहर के लिए, मेरे को अपने जिम के लिए काफी है, मेरे जिम तक आए जाए मेरे को ये सफिशिएंट, लेकिन ये नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी भाई, इसको देने का मन नहीं है। अच्छा कौन कौन सी गाड़ी रखी है वैसे आपने? गाड़ियाँ हमारे पास फिलहाल जैसे अभी इनोवा है, एक हुंडई की एक है i10 ग्रैंड है, अच्छा और एक ही है, तो पहले मैं हुंडई लवर ही था, तो हुंडई में मेरे पास थी i20 थी, कौन से वाली थी? मैंने ज्यादातर देखे तो सारी जनरेशन रखी है, आपने सारी जनरेशन, सारी जनरेशन ये बस ये रिसेंट वाली रह रखी है, ठीक है, रिसेंट की जगह इसने ले ली है, इसने जगह ले ली, इसने जगह ले ली, अब रिसेंट का मन नहीं है मेरा लेने का। तो वो सोच बदल दी कि ह्युंडई बेस्ट है, हाँ होंडा ने, इस वाली होंडा ने मेरा मन चेंज कर, मन बदल दिया, मन बदल दिया। मैं हुंडई लेता था कि हाँ भाई सेफ है, ठीक है, चलाने में कंफर्ट है, हाँ। लेकिन जब इस पे आया तो भाई घर वालों ने मतलब जैसे ही दी है ना, उस दिन से कहते हैं ना कि मेरे को एक अलग सी फीलिंग आ रही है। अब मन नहीं करता हुंडई की तरफ। अब वैसे इसके बाद कौन सी गाड़ी पे शिफ्ट करोगे? करोगे तो क्योंकि ये अभी तक सोचा नहीं है, अभी तक कुछ प्लान नहीं बना, अभी कोई प्लान नहीं है, रखूंगा इसी को रखूंगा, आगे देखते हैं कुछ इस टाइप की। देखो सेम चीज है, एक बार कोई लग्जरी चला लेना फिर वो छोटी पे नहीं आया, नहीं आया जाता भाई, सही तो बात कुछ है, ऐसा ही कुछ अगर मान लो कभी चेंज करने का मन बनेगा तो कुछ लंबी गाड़ी पे ही देखते हैं कौन सी बनेगी। जैसे आजकल ये आ रही है अपनी स्कोडा की और उसकी VW की वर्टस वगैरह, वो थोड़ी सी परफॉर्मेंस वाली गाड़ी है, वो भी अगर मेरे को कोई दोबारा एक और सिविक मिल जाए जैसी जो बात नई जनरेशन मिल जाए तो वो भी चल जाएगी। खैर वो डिस्कंटिन्यू कर दिया होंडा ने, हाँ, वो आते ही डिस्कंटिन्यू हो चुकी है इंडिया से, कहीं से वो मिल जाए तो भाई अपना फिर 15 साल सेट है, वो करूंगा अपने फिर 15 साल सेट है बिल्कुल। मैं उसी से, मैं सिविक से प्यार हुआ भाई, मेरे को सिविक से प्यार है। और करीब 14 साल रख लिया आपने गाड़ी? हाँ 14 साल रख चुके हैं। सस्पेंशन वही है गाड़ी के? सस्पेंशन वही है, ज्यादा यूज है नहीं तो इतना कुछ, अभी चली है ये थोड़ी सी मेरे ख्याल से 130 अब आके चली है ये, तो इतना यूज था नहीं इसका, वही है भाई थोड़ा सा घर वाले भी पैसे के मामले में देते हैं कि भाई इसको कभी कभार ही निकालने में यूज करते थे, कहीं पापा को कहीं जाना होता था तब अपना यूज ही करते, बाकी दूसरी गाड़ियां यूज होती है ज्यादा, अपना दूसरी गाड़ियां यूज होती थी। ठीक है भाई, गाड़ी में अंदर बैठने का मन हो रहा है, बाहर पड़ रही है तो धूप और इसकी लग्जरी भी फील करनी है। हाँ, ठीक है आप आओ, बिल्कुल आओ। चलो रिव्यू अगर इंटीरियर के बारे में कहें तो भाई इतना बड़ा डैशबोर्ड मुझे देखने में नहीं मिलता, नहीं मिलता आजकल की गाड़ी में भी नहीं मिलता, लिटरली यहाँ से मतलब मैं क्या बताऊँ 2.5-3 फीट का करीब करीब होगा डैशबोर्ड, ये आराम से है आपका बिल्कुल आगे तक, एक कहते ना एक हाथ जितना बड़ा इसका डैशबोर्ड है। हाँ, और अगर यहाँ पे बैठ के देखें तो भाई सेम ऐसा लगता है जैसे आप कोई जेट प्लेन उड़ा रहे हो, कॉकपिट वाला, कॉकपिट वाली फीलिंग आती है। हैंड ब्रेक इसका बिल्कुल यहाँ पे साइड में है, बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन, परफेक्ट पोजीशन पे है, सामने आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल डिजिटल बड़ी में। हाँ। खासियत और यूनिकनेस इस गाड़ी की डुअल क्लस्टर दे क्लस्टर के साथ है ये। हाँ। ऊपर स्पीड है, नीचे आरपीएम, नीचे आरपीएम है, नीचे आपको दिखता आपका आरपीएम, ऊपर आपकी स्पीड अलग से बोलती है, बिल्कुल ये सीन आता है इसका। फिर मैंने जैसे यहाँ पे थोड़ा सा काम करवाया इसका, ये आपने अपना गियर नॉब थोड़ा सा चेंज है कि मैंने ये भी करवा रखा है, बढ़िया लग रहा है लेकिन। हाँ थोड़ा यूनिक था थोड़ा, मगर जिसको चेंज करते हैं वहाँ ये करवाते हैं इसको। सही है सही है। और म्यूजिक वगैरह, म्यूजिक की कहें तो इसमें भाई अभी तक सेम 14 साल पुराने स्पीकर लगे हुए हैं, नो डाउट साउंड क्लियरिटी बहुत अच्छी है इसमें, कोई डाउट नहीं है। 4.2 के साथ आती है, मतलब चार स्पीकर है। हाँ, आगे दो इसके ट्विटर आ जाते हैं, ये शीशे के पास दे रखे हैं। हाँ बिल्कुल, दो आगे स्पीकर आ जाते हैं, मतलब एक हाँ सॉरी ट्विटर, तो ये आता है कि एक कहते हैं ना कि सराउंडिंग टाइप की स्पीकर आपके पैरों में है, लेकिन जो आगे के छोटे है ये इतनी तेज आवाज है, स्टीरियो इफेक्ट क्रिएट करते हैं। हाँ, एक अलग सी फीलिंग आती है, लगता नहीं कि आपके नीचे वाले पैरों में से आवाज आ रही है, वो आपको खुद से ऐसा लगता है कि हाँ आपके सराउंडिंग में ही चारों तरफ से आवाज आ रही है बिल्कुल। अच्छा एक चीज मैंने नोटिस करी भाई, ये
स्पीड मीटर के पास फोटो लग रही है ये भाई मेरी इसके ऊपर भी एक कहानी है भाई। बताओ भाई। जैसे ही जब घर वालों ने मेरे को दी तो भाई मैं मैरिड हूँ मैं। अच्छा, ये मेरा लड़का मेरे साथ में है इसके। तो भाई मेरी फोटो में, तो भाई मैंने एक बार ये थोड़ा सा इसकी स्पीड टेस्ट की थी। ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने भाई मैंने अपने घर पे बताया, अपनी वाइफ को मैडम को बताया कि ये गाड़ी ऐसे ऐसे इतनी तेज भागती है। तो रिसेंटली जब मेरा पिछले अब ये सितंबर में बर्थडे गया तो वाइफ ने मेरे को ये गिफ्ट किया था कि आप गाड़ी नहीं भगाओगे, अब नहीं भगाओगे। हाँ, और भाई जब भी आपका भगाने का मन करेगा आप उसको देखोगे पहले। तो ये आजकल किलो फ्लोर में स्पीड गवर्नर आता है बस, इसमें ये आपका स्पीड गवर्नर है। ये मेरा स्पीड गवर्नर लगा रखा है ये घर वालों ने स्पीड गवर्नर लगा रखा है। लेकिन मैं भाई भगवान भाई मैं नहीं करता, मैं ना इस चीज को कहूंगा कि भाई आप हाई स्पीडिंग करो, मैं प्रमोट नहीं करूंगा इस चीज को। तो हाई स्पीडिंग करो या कुछ और करो। वैसे जस्ट आस्किंग, आपने मैक्स कितना लेके गए हो इसको? मैक्स मैंने भाई वही बात आ जाती है। हाँ, मतलब हम प्रमोट नहीं करते, प्रमोट नहीं करेंगे। आई होप आपने भी सेफली। बिल्कुल हाँ, मैंने बिल्कुल अपना पूरा हाईवे पे और सारा सीट बेल्ट के साथ और सारा देख के तब मैंने एक बार किया था। और वो भी ये नहीं था, बस मेरे को एक बार स्पीड टेस्ट करनी थी कि टॉप कितनी जाती है, गुंजाइश कितनी गाड़ी, गुंजाइश कितनी है। तो भाई मैंने इसका फोर्थ गियर तक मैंने इसको भगाई थी, वो था 195 पे। फोर्थ गियर 195 और एक गियर बचा था, एक गियर फिर भी बचा था। जहां तक मेरे को आइडिया था ये 200 प्लस बहुत ही इजीली जाती है, बिल्कुल आराम से जाती है। भाई भागने के मामले में मैं कहता हूँ गोली है जहाज है भाई, जहाज है, रॉकेट है। इससे ऊपर मैं नहीं मानता किसी को भी। मतलब रोड पे चलते हैं ना तो कोई गाड़ी चल रही है तो मतलब एक मन में अलग सी ख्याल आता है, यार तू कहाँ भगा रहा है, मैं अलग तेरे जगह पे भाई, तू जा भाई, तू जा। हाँ, क्योंकि एक वो कंपटीशन बनता नहीं है, बात ही नहीं है बात ही नहीं है, इसकी अलग ही फीलिंग है। स्टीरियो में अगर वापस आए तो मेरे को इसका एक और चीज अच्छी लगती है, बताइए। ये आपको कभी वही वाली बात है, पुराने टाइम पे देखने को मिलता है। अब तो सीढ़ियां वैसे ज्यादातर स्टीरियो में से हटा ही दी है, सब ब्लूटूथ और ऑक्स के उसमें आ चुके हैं। ये 6 CD प्लेयर चेंजर है, 6 CD चेंज करता है। इसमें 6 CDs हैं। आज भी इसके अंदर 6 CDs हैं। अगर निकाल के देखना चाहे तो हम निकाल भी सकते हैं, इसमें अभी भी 6 CDs रखी हैं। सही है। अच्छा, ये लिखा भी हुआ है सिंक कंपोनेंट डिवाइस चेंजर। हाँ, 6 compact डिस्क चेंजर। कूलिंग वगैरह कैसी है गाड़ी की? कूलिंग परफेक्ट, नो डाउट भाई। सिविक का एसी बहुत ही चिल्ड है, एक नंबर का है। जो इंजन बड़ा दे रखा है वो इंजन के अकॉर्डिंग और इसका जो हाँ कंप्रेसर के अकॉर्डिंग भाई बहुत अच्छा है। मतलब अंदर हमने मेरे ख्याल से फुल पे तो मैंने आज तक नहीं चलाया इसको। अच्छा। नॉर्मली दो तीन के उसमें रहते हैं ब्लोअर में, थोड़ी देर में ही गाड़ी को चिल्ड कर देता है, चिल्ड कर देता है। जगह जगह तो स्पेस इसमें इतनी दे रखी है। हाँ, स्पेस के मामले में ये देख लो, ये आपके इनको कप होल्डर बना लो, ये कप होल्डर बना लो इसको। हाँ, जब चाहे आप इसको, आपको भाई अपना बैठे हो कुछ आपके साथ स्नैक्स चल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, तो आप इसको यूटिलाइज करो, यहाँ पे भी आपका एक स्पेस आ जाता है। फिलहाल इसमें मेरे छोटी मोटी चीजें ज्यादातर मैं इसको चिल्ड टाइप का ही रखता हूँ, जनरली सीरीज में आती है। हाँ, फिर आपका जैसे यहाँ पे आ गया एक स्पेस, छोटी सी कटोरी यहाँ पे भी दे रखी है इनने। अच्छा, ये रिसिप्ट वगैरह। हाँ, ये रिसिप्ट रखने के लिए, टोल के लिए। बिल्कुल, मतलब उस टाइम पे मतलब इतना दिमाग लड़ाना कि हाँ भाई क्या क्या चीजें, मतलब सब कुछ डाल दिया गाड़ी में, वो उनने डाल के कसर नहीं छोड़ा। हाँ, फुल्ली जो कहते हैं लोडेड टाइप की बना के दे रखी है, लोडेड बना। और 18 लाख में बहुत वैल्यू भाई, वर्थ ऑफ मतलब पैसे इसके, एक एक पैसा वर्थ है। हाँ, स्पेंड करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने 18 लाख रुपए वसूल करती है। सिटिंग इसकी ना जो मैंने ऑब्जर्व करी है साइड के, हाँ बहुत वाइड है, बहुत वाइड है ये आपके, बिल्कुल आप इसके एक सोफे की तरह इसके अंदर कंफर्टेबली बैठे हो। हाँ, और जो हाईवे पे जब कहते हैं ना थोड़ी कमर इधर उधर जाए, नहीं, वो नहीं होती होगी इसमें, वो भी प्लस आपकी जो मेरे थाई सपोर्ट है ये भी इसका बहुत अच्छा है। मतलब एक कहते हैं ना, एक बंदा चाहे कितनी भी बड़ी हाइट का हो, मतलब 6 फुट तक के हाइट के बंदे हैं जैसे मेरे बड़े भाई की हाइट, वो आराम से कंफर्टेबली बैठते हैं, उनको कोई ना पैरों की इशू आती है या कुछ और आता है। सेम पीछे इसकी स्पेस ऐसे ही बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया सीट है, मैंने बैठ के देखा अभी गाड़ी में। बिल्कुल, पीछे कहते हैं ना ये अपने टाइम की लग्जरियस स्पोर्ट्स कार में से आती है, फैमिली सेडान बोल ले, फैमिली सेडान भी बोल सकते हैं। डोर में पीछे बैठोगे तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक बिजनेस क्लास में बैठ गए, बिजनेस क्लास में बैठे, और आगे बैठते ही आगे बैठते स्पोर्ट्स कार में बैठे कि हाँ आप एक स्पोर्ट्स कार में बैठे हो कि एक भाई अलग ही एक जहाज सा चला रहे हो आप। दोनों के स्वाद है, दोनों के मजे है इसमें, दोनों के दोनों मजे है इसमें। फैमिली के साथ जब जाते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं, तो एक जो कहते हैं ना भाई एक आई कांटेक्ट वाला सीन बनाती है। अच्छा। हाँ, जब भी जैसे दोस्तों के पास जाते हैं तो भाई वो देखते हैं, यार पुरानी सिविक कितनी अच्छी है यार, तूने तो बड़ी अच्छी रख रखी मतलब है,
बंदा पूछता है गाड़ी के बारे में, पूछता है गाड़ी के बारे में भाई कौन सी है कैसी है, मतलब कई जैसे मैं ऐसी जगह पे भी गया हूँ जैसे राजस्थान साइड में भी लेके गया हूँ इसको, तो वहाँ पे लोगों को तो थोड़ा सा जैसे गाड़ियों का नॉलेज कम है, वो तो स्पॉइलर देख के और ये देख के कई बार मेरे को देखो पापा स्पोर्ट्स कार जा रही है, स्पोर्ट्स कार जा रही है, वो वाला सीन भी मैंने सुना भी है भाई बाइक पे चलती हुए, बच्चा साथ में पापा देखो स्पोर्ट्स कार जा रही है, तो वो वाला सीन होता है इसके साथ। और वैसे आपने ना बहुत माइनर से बहुत माइल्ड मॉडिफिकेशन करा रही है और अच्छी लग रही है वो, ओवर नहीं लग रही है। हाँ, ओवर टाइप का नहीं कि भाई एक डिसेंट सी रखो। हाँ, डिसेंट है। हाँ, और वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है गाड़ी को कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वो कर रही है। मेरा ये है कि भाई ज्यादा चेंजिंग मत करो, सिंपल वो कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग टाइप का, बहुत बढ़िया है। हाँ, तो मैंने ज्यादा ना तो टायरों के ऊपर की बड़े बड़े टायर डलवा दू या कुछ शो ऑफ का टाइप का कुछ नहीं था, बस ये एक दो जो चीज फंक्शनल है वो ही रखी। हाँ, ज्यादातर वही इस पे थोड़ा सा किया, थोड़ा सा स्पोर्टी लुक इसलिए देने का किया क्योंकि पहले तो पापा के टाइम पे बेचारी सिंपल ही रहती थी, उसमें कुछ भी नहीं था बिल्कुल, बस अपना सुबह साफ सुथरा, तो मन में बस इच्छा बनती रही अब मेरे हाथ में आने दो तो थोड़ा सा कुछ करवाता हूँ कुछ करवाता हूँ, तो वो वाला सीन हुआ था इसका। अच्छा, फिर अपना जैसे दूसरे देश में देखा जाए तो इसको ज्यादातर स्पीडिंग के लिए रखते हैं। हाँ, आप जनरली होंडा परफॉर्मेंस के मामले में आप गाड़ी को मॉड करवाते हैं, मॉड करवाते हैं, स्टेज आती है इसकी, अलग अलग स्टेज ट्यून करवा देते हैं। और ये इंजन इतना फ्रेंडली है, ट्यूनिंग फ्रेंडली इंजन, ट्यूनिंग फ्रेंडली इंजन है, मतलब बहुत बड़े नंबर चले जाते हैं बीएचपी और टॉर्क के ट्यूनिंग के बाद में। ये मैंने शायद जो सुना है ये करीबन 195 तक जाती है। हाँ, चली जाती होगी 195 तक जाती है। फिर मैं बस ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ अगर 195 हो रही है तो ये भागती कितनी होगी, भागती कितनी होगी भाई अभी के इंडियन रोड्स के लिए, तो मैंने ये ज्यादा वो ही काफी था, वो ज्यादा है इंडियन रोड के हिसाब से। हाँ, तो उस चीज के लिए तो भाई मैं तो अभी तक इस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ, इसको थोड़ा सा रीमैपिंग के लिए जरूरत ही क्या है, काफी आपकी नीड फुलफिल कर रही है, नीड फुलफिल कर रही है। मेरा ज्यादातर इतना यूज होता है कि भाई घर से जिम, जिम से घर, और फिर अपना थोड़ा बहुत कभी कभी यार फैमिली के साथ या फिर कई दोस्तों के साथ थोड़ा सा अपना लोकल में घूम लिए, बस इतना ही रहता है थोड़ा सा। भाई अगर चलाने के बारे में कहें, मैं इसको कंटिन्यूअस उदयपुर मतलब 900 किलोमीटर कंटिन्यूअस मैंने ड्राइव की थी, कोई थकान नहीं, कोई गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कंफर्ट जोन के हिसाब से आपका बस चलती रहती है, चलती रहती है, मन करता चलाते जाओ, चलाते जाओ इसका। हाँ, ये नहीं होता कि आपको यार थक गए चलो रेस्ट ले लेते हैं, नहीं, थोड़ा सा एक जो ब्रेक होता है वो ब्रेक नॉर्मली चल रहे थे, तो इंसान को भी लेना पड़ता है, गाड़ी को भी लेना पड़ता है। हाँ, जो इंसान का जो छोटा सा ब्रेक होता है जो नेचुरल बना रखी है भगवान ने, उसी टाइम में ये ब्रेक ले लेते, बस उसी टाइम पे इसके ब्रेक थे। प्लस इसका मैं अगर आपको एक और चीज शेयर करूं, जैसे अगर हम इसके हीटर पे जाएं जो टेम्परेचर पे जाते हैं, तो ये हाफ तक मतलब बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा आपको, कूल साइड ही रहता है ये, कूल साइड ही रहता है इसमें। अच्छा। दो है जैसे कितनी खींच लो, हाँ खींचोगे आप तो मतलब जब एक्सेलेटर तब करते हो बढ़िया भगाते हो तब तो ये 1% हीट पे आ जाएगा, नॉर्मली ये हाफ तक से नीचे ही रहेगा, हाफ से नीचे रहेगा। और सर्दियों में तो इसमें गिने चुने मेरे को 3 डंडे ऐसे ही दिखते रहते हैं, सर्दियों में तो ये टेम्परेचर उठाती ही नहीं है, लेकिन हाँ वैसे गर्म रहती है। हाँ। लेकिन ये खुद से अपनी गाड़ी को मतलब इसका रेडिएटर लगा लो, इसका फंक्शन लगा लो, इंजन डबल को रेडिएटर हाँ डबल रेडिएटर के साथ, मैंने वो अपनी इनोवा में देखने को मिलता, और इस सेडान में दे रखा, सेडान में दे रखा है वो इनोवा 2.4 होते हुए बड़े इंजन के साथ। हाँ। तब उसमें डीजल इंजन के साथ तब उसमें 2 रेडिएटर, इसमें पेट्रोल में दे रखा, और इसमें पेट्रोल में 2 रेडिएटर दे रखे हैं, तो भाई होंडा जापानीज़ बोलता है, होंडा बोल रहा है भाई। हाँ, मैंने अभी रिसेंटली इसमें सीएनजी लगवाई। हाँ, मैंने अभी हो चुके मेरे ख्याल से 3-1 महीने हुए मेरे को इसको, तो जब से ये मेरे पास आई है तब से मैंने इसमें सीएनजी लगवाई है, क्योंकि भाई ज्यादातर मैं रोज रोज घर वालों से मांगू वो नहीं चलेगा, थोड़ा सा पॉकेट पे भी ना पॉकेट पे ध्यान देना पड़ता है। अब इसने लेकिन हाँ वो कहते हैं ना कि इसने अब मेरी पॉकेट सीएनजी लगने के बाद इसने मेरी पॉकेट थोड़ा सा राहत दी है, नहीं तो लोकल में यार डेली मैं 1000 रुपए का तेल मेरा डेली लग ही जाता था। घर से निकले जिम तक भी जा रहा हूँ अप डाउन कर रहा हूँ उसी में ही मेरा 400-300-400-500 का तेल लगना ही लगना है। फिर अगर मान लो दोस्तों के साथ थोड़ा हैंग आउट कर रहे हैं फिर तो भाई 1000-2000 का नोट तो इसने पीना ही पीना। कितना हाँ। दे रही है सीएनजी पे आपको? सीएनजी में भाई अगर आप बताऊंगा तो आप सरप्राइज हो जाओगे। चलो करो सरप्राइज। अगर आपको सरप्राइज करता हूँ तो पहले मैं हाईवे के ऊपर ही आता हूँ। हाँ। हाईवे पे देती है ये एक सिंगल सिलेंडर में मैंने इसकी निकाली है 250 250। आप भी अगर यकीन नहीं करोगे कि नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन भाई मैंने बड़ा इंजन इतनी पावर है। हाँ, मैंने 250 निकाली है और लोकल में मैंने इसकी निकाली है 150।
ये तो मतलब ऐसा लग रहा है किसी हैचबैक की एवरेज बता रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दो चीजें हो सकती हैं, एक तो हमारे जैसे भाई घर वालों को जैसे गाड़ियों का जैसे हम कुछ भी चीजें हैं तो एक मेंटेन हम स्टार्टिंग से हम चीजों को रखते हैं, टाइम टू टाइम सर्विस करवाना, चीजें टाइम टू टाइम चेंज करवानी। सच्चाई है गाड़ी की, आप केयर करोगे तो गाड़ी आपका साथ देगी, वो बिल्कुल कभी धोखा नहीं देगी। अभी मैं अगर आपको रिसेंट का ही शेयर करूं, मैं जैसे मैंने कल इसकी सीएनजी रात को फुल करवाई थी और मैं गुड़गांव गया था आज सुबह और वापस आया हूं तो 119 मतलब 120 ये चल चुकी है और अभी भी इसमें ये सीएनजी दिखा रही है करीबन 40 से 50 किलोमीटर की, अभी भी चली जाएगी, अभी भी चली जाएगी, अभी तक ये रेड उसमें आई। ये तो सिटी वाला बता रहे हो, सिटी में लोकल में बता रहा हूँ, हाँ तो ये मतलब ये है कि 150 से अबो भी दे देती है मैंने लोकल में, क्योंकि आज संडे था तो ट्रैफिक मेरे को कहीं मिला नहीं, तो थोड़ा सा ये है कि लोकल में इसने आज ये 150 प्लस जाएगी। मतलब सर्वगुण संपन्न वाली बात, भाई भगवान ने कसर एक रहेगी ये एक्सपायर होने वाली है। बस मैं ये माइनस पॉइंट मेरा यही है, मैं यहीं पे आके बस ऐसे ही दोबारा मिल जाओ है। भाई मेरे को दोबारा मिलेगी तो मैं अगले 15 साल और आगे आ जाइए। चलो इसका बूट स्पेस देखते हैं भाई, बिल्कुल आ जाइए, आपको बूट स्पेस देखते हैं। सिलेंडर के बाद कितनी बचती है, बेस ट्यूब रखी हाँ है। ये मैंने इसमें बेस ट्यूब थोड़ा सा शौक सा है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा गमा के ठाणे है। हाँ, थोड़ा सा कभी कभार बन जाता है दोस्तों के साथ बैठते हैं तब कि हाँ भाई चलो भाई थोड़ा सा म्यूजिक थोड़ा अच्छा सा बजा बजो के घूमने फिरने वाला सीन रहता है। सिलेंडर लगा के ठीक ठाक स्पेस है, वैसे मुझे लग रहा है सिलेंडर बड़ा लग रहा है आपका कुछ। सिलेंडर इसमें वो पुराने वाला सिलेंडर है, पुराने टाइप का। आजकल के सिलेंडर में ना मैंने जब लगवाया तो दो तरीके के डाउट से हो रहे थे। हाँ। अब कह रहे हैं कि ब्लास्टिंग के बहुत ज्यादा वो आ रहे केस आते हैं वीडियोस वगैरह का, क्यों आ रहे सुनने में आया कि भाई वो सिलेंडर बहुत लाइट वेट कर दिए। अच्छा, हाँ, उनकी क्वालिटी थोड़ी सी हल्की करती है, मटेरियल हल्का करता है और जब रिफिल करते हैं तो भाई वो प्रेशर के साथ सीएनजी आती है। ज्यादातर आपको जो वीडियो देखने को मिलेगी वो सारी उसी में ब्लास्टिंग के सीएनजी पंप पे ही दिखेंगी। आपने मोटी वॉल वाला सिलेंडर? हाँ, मोटी वॉल वाला मैंने पुराना ही मगा भाई से, सिलेंडर ऐसा ही रखियो कि जो भाई मेरे को ये चीज होगी कोई फेस करना ना सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सेफ्टी के मामले में भाई मैं स्टार्टिंग से ऐसा हूँ कि भाई सेफ्टी के मामले में मेरे को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, निकलना भी नहीं चाहिए। हाँ, फिर इसमें यूँ है कि अगर मान लो बेस ट्यूब हटा भी देते हैं तो भी एक छोटी गाड़ी का जो डिग्गी होती है, हाँ, वही मैं कह रहा था, वैसी फिर भी ये सफिशिएंट दे देती है। सिलेंडर हटा दे तो भाई इसमें तो फिर तो भाई एक बंदा आराम से लेटा सकते हो आप इसमें। मेरे को गाड़ी का और बाइक का थोड़ा सा शौक सा है, रखना ही चाहिए यार, थोड़ा इनका केयर करना और इनका थोड़ा भाई पैम्पर करना। हाँ, पैम्पर करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बचपन में तो इतने पागल थे, मैं अपनी बाइक को अपने रूम में खड़ी करता था। केटीएम थी मेरे पास तो भाई मैं उसको मतलब चमका चमको के धाव धा के संडे को और अंदर ले गया। घर वाले बकते थे क्यों क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है, मैं अंदर खड़ी अंदर खड़ी होगी तो। तो बस ये था कि हाँ शौक थे मेरे को व्हीकल का, थोड़ा सा शौक है। अच्छी बात है, अच्छी चीजों के शौक रखो, फालतू के शौक से दूर रहो। बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं ये चाहता हूँ कोई दोबारा सिविक ऐसी ही मिल जाए जैसी मैंने रखी है, ऐसी रखी। हाँ, कोई मेरे जैसा ही कोई शौकिया बंदा मिल जाए। हाँ, तो वो चीज हो जाए। एक चीज मैंने आपको देखो बताना भूल गया। हाँ, बताइए। ये अभी तक ओरिजिनल पेंट है सारा। हाँ, ना गाड़ी में कहीं रस्टिंग है ना कुछ हो रहा है। अगर क्वालिटी के मामले में मैं इस पे जाऊं तो इसका भाई अभी तक लोहे बहुत मजबूत है लोहा। हाँ, इसमें अभी तक कोई रस्टिंग का कोई वो नहीं आया। सेम है कि अगर आप आज की गाड़ियों को दबाओगे दब जाती हैं आराम से। इसमें भाई कुछ भी नहीं, ठेल सौदा है। तो ये चीज मेरे को इसकी बहुत अच्छी लगती है भाई। ठीक है अमित भाई, धन्यवाद आपका। ओके भाई, हमारे चैनल पर आने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू। और ठीक है दोस्तों, अमित भाई आपकी और गाड़ियों का भी कभी टाइम लगा बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी लंबी थी लेकिन उसी हिसाब से इन्फॉर्मेटिव भी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।